चलो, तो कल मैंने आप लास्ट पार्ट में हमने आपको एक क्वेश्चन दिया था ये वाला। तो इसे करने का सबसे आसान तरीका एक तो है क्या, आप इसे डायरेक्टली ओपन कर दो, ए टाइम्स ये हो जाएगा बी सी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी टाइम्स बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस सी टाइम्स ये हो जाएगा ए बी माइनस सी स्क्वायर। तो ऐसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ए बी सी माइनस ए क्यू माइनस बी क्यू प्लस ए बी सी प्लस ए बी सी माइनस सी क्यू, तो ये आपका थ्री ए बी सी माइनस ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस सी क्यू ये हो जाएगा, जो मैंने यहाँ पे आपको बोला था। इसको हम लोग, इस डिटर्मिनेंट को हम लोग बोलते हैं सर्कुलेंट, ठीक है। अगर आपको इस फॉर्म में लाना है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अल्टरनेटिवली इसे आप इस तरह से कर सकते थे कि डू द ऑपरेशन दैट आर वन टेंड्स टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। तो अगर ये ऑपरेशन करेंगे तो आपका पहला वाला रो ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी ऐसे आ जाएगा। ये वाला पार्ट आपका बी सी और ए, ये वाला पार्ट आपका सी ए और बी ये हो जाएगा। तो अब यहाँ पे इसको अगर आप देखेंगे तो सब जगह से क्या कॉमन आ रहा है, सब जगह से ए प्लस बी प्लस सी कॉमन आ रहा है, बच क्या रहा है वन 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 बी सी ए और सी ए बी। आप चाहो तो आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे या तो डायरेक्टली ओपन कर दो या फिर इन दोनों वन को जीरो बना दो, ठीक है। मैं डायरेक्टली ओपन कर रहा हूँ तो ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, ये हो जाएगा वन टाइम्स बी सी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस वन इंटू ये हो जाएगा ए बी माइनस सी स्क्वायर आ जाएगा। तो आप देखिए कि यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा और यहाँ से ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये आपका डिटरमिनेंट आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप इस डिटरमिनेंट की वैल्यू इस तरह से निकाल सकते थे, या तो ऐसे या फिर ऐसे। लेकिन ये जो आप डिटरमिनेंट समझ में, चार अभी तक हमने डिटरमिनेंट सॉल्व करे, चारों स्टैंडर्ड डिटरमिनेंट है, तीन पिछले पार्ट में करे थे, एक अभी हमने ये अभी करा, इसे मिला के जितना भी आपका जो बन रहा है वो आपको ध्यान रहना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका प्रॉपर्टी नंबर सेवन आ जाता है कि इफ बाय पुटिंग एक्स इक्वल्स टू ए द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट वैनिशेस देन एक्स माइनस ए इज द फैक्टर ऑफ डिटरमिनेंट। और डिटरमिनेंट में एक्स की जगह ए रखने पे क्या हो जाए कि डिटरमिनेंट जीरो हो जाए, मतलब एक्स माइनस ए उस डिटरमिनेंट का फैक्टर है। अब इसको हम यूटिलाइज कैसे करते हैं, जैसे मैं आपको इसमें एग्जाम्पल दूँ कि आप याद करिए लास्ट में हम लोगों ने क्वेश्चन करा था लास्ट वाले पार्ट पे, वो था वन 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 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और इसकी वैल्यू आई थी ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए आई थी। अब ये वैल्यू जो आई थी आप इसको क्या कर सकते हो, आप यू कैन इवेल्युएट दिस पार्ट, ठीक है। ये वाला पार्ट जो है आप इसे देख सकते हो कि चेक क्रॉस चेक कर सकते हो कि ये सही है या नहीं। कैसे, अगर आपको पहला चेक करना है a माइनस बी तो पुट a इक्वल्स टू बी, a माइनस बी जीरो तो a इक्वल्स टू b रख दो, तो जहाँ जहाँ a है वहाँ पे b रख दो, a की जगह b रखोगे तो डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा वन 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 ये a ये a ये आपका a स्क्वायर और ये आपका a स्क्वायर और ये c और c स्क्वायर। तो देख रहे हो कि ये रखने पे दो कॉलम्स क्या हो गए सेम, तो इसकी वैल्यू जीरो होगी, तो इस कारण से a माइनस बी इसका फैक्टर होगा। और सेम चीज़ आप ऑब्जर्व करिए b माइनस सी से और c माइनस ए से भी यही चीज़ सेम चीज़ हो रही है। तो यहाँ पे हम लोग ये कंफर्म कर सकते हैं कि ये इसका क्या है फैक्टर है। तो ऐसे कई बार क्या होता है कि ऑप्शंस में जो देख के आपको ऑप्शंस को चेक कर क्रॉस चेक कर सकते हो कि मान लो चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में एक एक फैक्टर अलग अलग है, तो वही रख के देख लो और वो देख के अगर जो भी जीरो दे रहा है तो आंसर होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे कई क्वेश्चंस में हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं कि कैसे करें क्या करें, ऐसा हम उसे यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आया। तो ये पार्ट थी, ये बात थी किसकी,
हाउ टू सॉल्व दैट, ठीक है, मैं सॉल्व द डिटरमिनेंट। चलिए तो अब एक काम करते हैं, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं इस पर, ठीक है ना। क्वेश्चंस हम लोग इस पर लेते हैं कि जिसमें हम लोग अलग अलग तरह के रो कॉलम ऑपरेशंस कैसे करेंगे, क्या करेंगे, फिर हम वो देखते हैं, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन जो है वो आपको मैं, क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बी प्लस सी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर बी सी, सी प्लस ए का होल स्क्वायर बी स्क्वायर सी ए, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे सी स्क्वायर और ये ए बी, इसकी वैल्यू आपको शो करनी है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए, ये आई दिस इज द एक्सप्रेशन दैट हैज टू बी प्रूव्ड। समझा क्वेश्चन क्या है, ऑब्जर्व करो कि देखो यहाँ पे हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर चाहिए, तो आप यहाँ पे एक चीज जो कर सकते थे कर सकते हैं वो क्या है कि देखो कि जब इसको आप ओपन करेंगे, ऑब्जर्वेशन बेस्ड चीज है, ठीक है, देखिए इन सब पे कोई ट्रिक्स नहीं है, सारा ऑब्जर्वेशन बेस्ड है, ठीक है, कि बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू बी सी, सी स्क्वायर प्लस टू ए स्क्वायर प्लस टू ए सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, यहाँ पे ए स्क्वायर, यहाँ पे बी स्क्वायर, यहाँ पे सी स्क्वायर, ये बी सी, ये सी ए और ये ए बी, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, लेट्स डू द ऑपरेशन दैट कॉलम वन टेंड्स टू कॉलम वन माइनस टू टाइम्स कॉलम थ्री, तो कॉलम थ्री में टू मल्टीप्लाई करके सबट्रैक्ट कर दो, ठीक है। तो अगर आप जैसे ही ये करोगे तो आपका डिटरमिनेंट क्या बन जाएगा, यू आर लेफ्ट विथ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, चाहो तो यहाँ पे ऐड कर दो प्लस सी टू, फिर इसके बाद सी टू ऐड कर दो, तो ये आपका एक साथ एक ही स्टेप में दो काम हो जाएंगे, ये सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये बचेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी सी सी ए और ए बी, ये डिटरमिनेंट बन गया। देख लो पहले कॉलम से क्या कॉमन आ रहा है, पहले कॉलम से कॉमन आ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ रहा है, इसके बाद ये वन ये वन ये वन, अब बताओ कि भाई क्या क्या बचेगा, यहाँ पे बचा ए स्क्वायर, ये बचा बी सी, ये बी स्क्वायर, ये बचा सी ए, ये सी स्क्वायर और ये बचा ए बी। अब जो अगली ट्रिक मैं करने वाला हूँ उसको जरा ध्यान से देखना, ठीक है ना। उसको हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ पे रो वन टेंड्स टू ए टाइम्स रो वन, रो टू टेंड्स टू बी टाइम रो टू एंड रो थ्री टेंड्स टू सी टाइम रो थ्री, मतलब रो वन में ए मल्टीप्लाई करा। अब जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मतलब बाहर बैलेंस करने के लिए डिवाइड करना होगा, ठीक है ना। तो बाहर डिवाइड कर दिया और न्यूमरेटर में तो आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ऑलरेडी है। देखिए इससे होगा क्या, ये ट्रिक को ध्यान रखना, ठीक है, ऑब्जर्व करना कि कैसे इसका यूज हो रहा है। ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा ए क्यू और ये हो जाएगा ए बी सी, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा बी क्यू, ये हो जाएगा ए बी सी, ये सी क्यू और ये ए बी सी। अब जो आपका थर्ड कॉलम है, ठीक है, उस थर्ड कॉलम में से सारे सारे टर्म ए बी सी हैं, तो वहाँ से आप ए बी सी को क्या ले लीजिए, कॉमन ले लीजिए। तो अगर आप ए बी सी को कॉमन ले लेंगे तो देख रहे हैं क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, आपने ए बी सी कॉमन ली और ए बी सी बाहर डिवाइड करा था, तो मतलब एक तरह से रो में मल्टीप्लाई करके कॉलम से कॉमन लेना या कॉलम में मल्टीप्लाई करके रो में कॉमन लेना, ये ट्रिक ही होती है, ठीक है। अब देखिए बचा क्या, अब बचा आपका ए ए क्यूब वन, बी बी क्यूब वन और सी सी क्यूब वन, ये हो गया। तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये कॉमन। मैं एक सर्कुलर परमुटेशन करता हूँ, सर्कुलर परमुटेशन करूँगा तो डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। अब ध्यान से देखो कि ये डिटरमिनेंट हम लोगों ने लास्ट टाइम पे सॉल्व करा था, बोला स्टैंडर्ड डिटरमिनेंट है, याद रहना चाहिए आपको, ठीक है। बोर्ड्स वगैरह में कभी जरूरत पड़ती है तो आप लोग वहाँ पे इसको प्रूव करके दिखा सकते हैं, जैसे हमने पिछली बार करा था।
लेकिन हमें रिजल्ट याद है तो हम उस रिजल्ट को यूज करेंगे, इट विल बी ए प्लस बी प्लस सी, ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए, ये वैल्यू हम लोगों की आती थी, ठीक है। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट, समझ में आए सबको ये, ओके। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है ये, तो जिसमें काफी बड़े नंबर दे रखे हैं, तो हमारा मेन एम क्या रहेगा, ये जो बड़े नंबर्स हैं इन्हें हम लोग सिंप्लीफाई करें। जैसे कुछ चीज़ें बिल्कुल हमें आउटराइट भी दिख रहे हैं कि सेकेंड कॉलम में 11 कॉमन आ सकता है, तो 11 आप बाहर ले लो, तो ये 23 बचेगा, ये 6 बचेगा, ये 11 है, ये 36 है, ये 5 है, ये 26 है, ये वाला पार्ट जो है वो 63 है, और ये आपका बचेगा कितना 13, और ये हो जाएगा 37। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग और क्या कर सकते हैं, व्हाट वी कैन डू ओवर हियर इज कि यहाँ पे हम लोग, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या करा कि ये कॉलम वन चेंज टू कॉलम वन माइनस कॉलम थ्री, ठीक है, ये ऑपरेशन हमने यहाँ पे करा। तो ये कॉलम वन में से कॉलम थ्री के टर्म्स हटाने हैं, तो जैसे ही हमने हटाया तो डिटरमिनेंट हमारे पास ये आया। लेकिन यहाँ पे देखो, नाउ कॉलम वन इज प्रोपोर्शनल टू कॉलम टू, 12/6, 10/5 ये हो गया। या फिर आप चाहो तो आप ऐसे बोल सकते हो कि मैं कॉलम वन से टू कॉमन ले रहा हूँ, तो 22 टाइम्स ये हो जाएगा 6/5, 13, ये हो जाएगा 6/5, 13, 11/26, 37, तो दो रोज सेम हो गए, दो कॉलम सेम हो गए, इसका आंसर वैल्यू डिटरमिनेंट कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, हेंस द आंसर विल बी इक्वल्स टू व्हाट, जीरो, ठीक है। ये एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको प्रॉपर्टीज को यूज करके शो करना है कि ये जीरो है। अब पहला वाला अगर आप देखेंगे तो पहला वाला बहुत ही आसान है, कैसे, पहले वाले में आपको एक्स ए एक्स प्लस ए, वाई बी वाई प्लस बी, जेड सी जेड प्लस सी, ऐसे क्वेश्चंस में बहुतायत में होता क्या है, व्हाट हैपेंस इन नॉर्मल केसेस, आपको या तो किसी एक रो को जीरो करना होता है या फिर दो रोज को या दो कॉलम्स को इक्वल शो करना होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिंपल एक स्टेप प्रोसेस है, कैसे कि यहाँ पे साइड कॉलम थ्री टेंड्स टू कॉलम थ्री माइनस कॉलम वन माइनस कॉलम टू, इन स्टेप कर दो, तो बताओ ये क्या हो जाएगा, एक्स ए वाई बी जेड सी, ये तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन एक्स प्लस ए में से कॉलम वन माइनस एक्स कॉलम टू ए, ये कर दो, तो ये आपका वाई प्लस बी माइनस वाई माइनस बी, और ये जेड प्लस सी माइनस जेड माइनस सी आ जाएगा। तो देखो जरा ये क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड, ये ए बी सी और ये जीरो जीरो जीरो, तो एक पूरा का पूरा कॉलम जीरो आ गया, इसका डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट वाला हो जाता है, बाकी क्वेश्चन को ट्राई करें जल्दी से। सेकेंड वाले क्वेश्चन में तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे अगर आप ऑपरेशन कर देंगे सी वन टेंड्स टू सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री, तो जैसे ही ये करोगे तो डिटरमिनेंट कैसा हो जाएगा, दिस विल बिकम जीरो जीरो जीरो, ये आपका बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी और ये बी माइनस सी, तो ये पूरा जीरो हो गया, तो डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, जीरो। थर्ड वाले में देखिए कि एक स्टेप में वैसे हो सकता है, कैसे, अगर आप ज्यादा स्टेप से कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको, ओके, तो इस वाले ऑब्जेक्ट में अगर आप एक ऑपरेशन करते हैं कि सी थ्री टेंड्स टू सी थ्री माइनस नाइन टाइम्स सी टू, तो जैसे ही ऑपरेशन करेंगे तो ये डिटरमिनेंट जो होगा दैट विल बिकम व्हाट, ये डिटरमिनेंट जो है थर्ड वाले में सी थ्री टेंड्स टू सी थ्री माइनस नाइन टाइम्स सी टू, तो डिटरमिनेंट जो बनेगा ये 2 7 3 8 5 9, यहाँ क्या बचेगा, 7 9 63, 65 63 क्या तो 2, 8 9 72, तो फिर बचा कितना 3, 9 9 81, तो यहाँ बचेगा 5, देख रहे हो कि दो कॉलम सेम हो गए, डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो गई, जीरो, तो यहाँ आपका थर्ड वाला ऐसे हो जाता है। फोर्थ वाला जो पार्ट है, फोर्थ वाले पार्ट को अगर आप ऑब्जर्व करो तो फोर्थ वाला पार्ट भी बड़ा आसान सा है, यहाँ पे आप क्या कर देते हैं कि सी थ्री टेंड्स टू सी थ्री प्लस सी टू कर दीजिए, तो इससे क्या हो जाएगा कि आपका ये वाला जो डिटरमिनेंट है वो डिटरमिनेंट चेंज हो जाता है किसमें, 1 1 1,
ये बी सी, ये सी ए, ये ए बी, यहाँ पे ए बी प्लस बी सी प्लस सी हो जाएगा, ये भी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बन जाएगा, और ये भी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हो जाएगा। यहाँ पे अगर आपने ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कॉमन निकाल लिया तो डिटरमिनेंट वन 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 बी सी सी ए ए बी और वन 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 हो जाएगा। दो कॉलम सेम हो गए तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, एंड द वैल्यू डिटरमिनेंट इज जीरो। इसी तरह से अब ये वाला क्वेश्चन जो दे रखा है, बी प्लस सी, क्यू प्लस आर, वाई प्लस जेड, सी प्लस ए, आर प्लस पी, एक्स प्लस जेड, ए प्लस बी, बी प्लस क्यू, एक्स प्लस वाई इक्वल टू टू टाइम्स दिस, ठीक है, ये हम लोगों को निकालना है। तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं इस चीज़ को, ये हम लोगों को देखना है, ठीक है। चलिए तो इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं ये थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन तो यहाँ पहुँचाने वाला से पहचाने वाला काज क्या था कि R1 वन टेंड्स टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, ये करना है। इससे डिटरमिनेंट में क्या चेंज हो जाएगा, डिटरमिनेंट विल बिकम टू टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी, ये टू टाइम्स पी प्लस क्यू प्लस आर, और टू टाइम्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड, बाकी टर्म्स एज इट इज रहेंगे। ये आपका सी प्लस ए, ये आपका ए प्लस बी, ये R प्लस पी, ये P प्लस क्यू, ये आपका Z प्लस एक्स, और ये आपका X प्लस वाई। अब 2 तो कॉमन आ ही रहा है, 2 कॉमन आ रहा है तो 2 बाहर आ जाएगा, तो ये आपका A प्लस बी प्लस सी, पी प्लस क्यू प्लस आर, एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये आपका C प्लस ए है, ये R प्लस पी है, ये Z प्लस एक्स है, ये आपका A प्लस बी है, ये P प्लस क्यू है, और ये X प्लस वाई, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ऑपरेशन करते हैं कि R2 टू टेंड्स टू आर टू माइनस आर वन, आर थ्री टेंड्स टू आर थ्री माइनस आर वन। ये ऑपरेशन करने के बाद डिटरमिनेंट में क्या क्या बचेगा, टू टाइम्स A प्लस बी प्लस सी, पी प्लस क्यू प्लस आर, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, ये बचेगा माइनस बी, ये बचेगा माइनस सी, ये बचेगा माइनस क्यू, ये बचेगा माइनस आर, ये बचेगा माइनस वाई, ये बचेगा माइनस जेड, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अगला ऑपरेशन आप करते हैं कि आर वन टेंड्स टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, तो ये आपका टू टाइम्स क्या रह जाएगा, ऐड कर दिया आपने, ये ए आएगा, ये पी आएगा, ये एक्स आएगा। अब ये बाकी जो माइनस बचा उसमें से माइनस दो बार बाहर कॉमन आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये बी क्यू और ये वाई बचेगा, ये सी आर और जेड बचेगा, ठीक है। तो दिस इज द आंसर, यही हम लोगों को प्रूव करना था, ठीक है। एनजाइटी की क्वेश्चन है कि जैसे इसमें ये वाला जो दे रखा है आप उसे सर्कुलेट बना के भी सॉल्व कर सकते हो, जैसे ये इसको तो हम ऐसे लिख सकते थे और ए और बी की वैल्यू ये कर दे तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। अदरवाइज आप चाहें तो यहाँ पे सीधे कर सकते हैं कि रो वन टेंड्स टू रो वन प्लस रो टू प्लस रो थ्री, ऐसा करने से डिटरमिनेंट जो रहेगा वो हो जाएगा फाइव एक्स प्लस फोर, फाइव एक्स प्लस फोर, फाइव एक्स प्लस फोर, तो ये हो जाएगा टू एक्स, एक्स प्लस फोर, टू एक्स, 2x, 2x और ये हो जाएगा x प्लस फोर। तो सब जगह से 5x प्लस फोर कॉमन आ जाएगा, 5x प्लस फोर कॉमन आ जाएगा तो 1, 1, 1, 2x, 2x, ये आपका x प्लस फोर, ये 2x, ये 2x और ये आपका x प्लस फोर। अब यहाँ पे ऑपरेशन करो क्योंकि तीन वन दिख रहे हैं, तो तीन वन में से दो वन को जीरो बना सकते हैं, तो c2 टू टेंस टू सी टू माइनस सी वन एंड सी थ्री टेंड्स टू सी थ्री माइनस सी वन। दोनों एक साथ क्यों कर रहा हूँ कि जो चेंज हो रहा है सी टू में, सी टू का यहाँ कोई यूसेज नहीं है, तो इस कारण से डिटरमिनेंट क्या चेंज हो जाएगा, फाइव एक्स प्लस फोर, ये हो जाएगा वन जीरो जीरो, ठीक है, टू एक्स प्लस फोर में से टू एक्स गया तो ये फोर माइनस एक्स, ये हो जाएगा जीरो, ये हो जाएगा जीरो और ये हो जाएगा फोर माइनस एक्स, और यहाँ पर टू एक्स और टू एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब इसको ओपन कर दीजिए, तो इसको जैसे ही ओपन करोगे तो 5x प्लस फोर
इंटू वन टाइम्स फोर माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस जीरो, तो दैट विल गिव यू आंसर 5x प्लस 4 इंटू फोर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाता है। समझ में आया कैसे करना है? सेकेंड पार्ट में क्या करें, सेकेंड पार्ट में देख रहे हो कि हमें चाहिए 3y प्लस k और हर कॉलम का सम जो है वो 3y प्लस k है। तो सबसे पहला तो ऑपरेशन यही कर देते हैं, r1 टेंड्स टू r1 प्लस r2 प्लस r3। जब ये ऑपरेशन हम लोग करेंगे आर वन टेंड्स टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका थ्री वाई प्लस के, थ्री वाई प्लस के, थ्री वाई प्लस के, ये वाई, ये वाई, ये वाई प्लस के, ये वाई, ये वाई और ये वाई प्लस के। तो यहाँ से आप थ्री वाई प्लस के कॉमन निकाल सकते हो, तो वन वन वन, ये वाई 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 प्लस के और y प्लस के। अब इन दो वन को जीरो बना देते हैं, तो क्या करते हैं कि सी टू टेंड्स टू सी टू माइनस सी वन एंड सी थ्री टेंड्स टू सी थ्री माइनस सी वन, तो ये आपका थ्री वाई प्लस के, तो ये हो जाएगा वन जीरो जीरो, ये y, ये y, तो ये k, ये जीरो, ये जीरो और ये k। अब डिटरमिनेंट को ओपन करना हमारे लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा, जैसे जैसे ही ओपन करोगे तो ये 3y प्लस के इंटू वन टाइम्स के इंटू के माइनस जीरो इंटू जीरो, तो दैट विल गिव यू इक्वल्स टू व्हाट, 3y प्लस के इंटू के स्क्वायर, दिस इज द आंसर। ठीक है, अब ये वाला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में करने के लिए ध्यान दो कि यहाँ पे हमें 1/a 1/b 1/c चाहिए, तो 1/a 1/b 1/c यहाँ पे हम लोगों को देखने में मिला है। तो सबसे पहली कोशिश ये रहेगी कि हमारे यहाँ और बाहर हमें abc चाहिए, तो इस कारण से हम क्या करेंगे कि हम लोग फर्स्ट रो से क्या कॉमन ले लेंगे a, सेकंड रो से कॉमन ले लेंगे b और थर्ड रो से कॉमन ले लेंगे c। तो अगर हम लोग ऐसे करते हैं तो देख लो ये 1/a प्लस 1, ठीक है, ये हो जाएगा 1/a, ये हो जाएगा 1/a, ये हो जाएगा 1/b 1/b प्लस 1 और ये 1/b, ये 1/c 1/c और 1/c प्लस 1 हो जाएगी। तो ये करते ही देखो आपको सारे आइडिया मिल जाएंगे। अब देखो हर कॉलम का सम सेम है, तो इस कारण से रो 1 टेंड्स टू रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3, तो ए बी सी, तो रोज को ऐड करना है, तो रोज को ऐड करेंगे तो 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b प्लस 1 अपॉन c प्लस 1, प्लस 1, 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी प्लस 1। ऑपरेशन हमने क्या करा था, ऑपरेशन हमने करा था कि रो 1 टेंड्स टू रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3, तो ये आपका 1/b बचेगा, ये 1/b प्लस 1, ये 1/b, तो ये आपका सी 1/c 1/c और 1/c प्लस 1, ठीक है। तो कॉमन आ रहा है यहाँ पे ए बी सी कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, तो ये 1 1 1 1/b 1/b प्लस 1 1/b 1/c 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 प्लस 1, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर से वही ऑपरेशन करो कि सी टू टेंड्स टू सी टू माइनस सी वन एंड सी थ्री टेंड्स टू सी थ्री माइनस सी वन, ये क्या हो जाएगा ए बी सी, ठीक है, ये ऑपरेशन करते हो जाएगा 1 0 0, ये हो जाएगा 1/b, ये हो जाएगा 1/c, ये 1, ये 0, ये 0, ये 1। तो डिटरमिनेंट को ओपन करोगे तो उसकी वैल्यू आ रही है 1, बच रहा है ए बी सी,
इंटू वन प्लस वन बाय ए प्लस वन बाय बी प्लस वन बाय सी। इससे वही प्रूव करने में हो गया कि जो हमें चाहिए था ए बी सी वन प्लस वन बाय ए प्लस वन बाय बी प्लस वन बाय सी, दिस इज आंसर। क्लियर है? ये आपका क्वेश्चन नंबर वन, ये क्वेश्चन नंबर टू और ये आपका क्वेश्चन नंबर थ्री। ये तीन क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। इन एडिशन टू दैट आपके जो एनसीईआरटी में, ठीक है, एनसीईआरटी में आपको एक एक्सरसाइज दे रखी है, एक्सरसाइज का नाम है 4.2। तो 4.2 में पहले, ठीक है, 4.2 से पहले कुछ आपको सॉल्व एग्जांपल दे रखे हैं, उन्हें सॉल्व करिए और एक्सरसाइज नंबर 4.2 का अटेम्प्ट करें, ठीक है। तो ये अटेम्प्ट करके लेके आए, तो कल हम लोग जो बात करेंगे नेक्स्ट टाइम पे, वो हम बात करेंगे क्या कि कैसे हम लोग दो डिटरमिनेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, वो मल्टीप्लाई टू डिटरमिनेंट्स। फिर इसके बाद इसी तरह से हम लोग इसमें लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल्स का सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन थ्री वेरिएबल, उसमें होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस दोनों की हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, तो नेक्स्ट टाइम के क्वेश्चंस करके लेके आए, फिर आगे आपको करते हैं, ठीक है। थैंक यू सर।